नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। दुनिया के पांच बड़े देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के शिखर बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, वहां वे वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। राजगढ़ में आज बीजेपी का हुआ महामंथन, संगठन महामंत्री सुहाग भगत, बीडी शर्मा रहे मौजूद, सीएम शिवराज भी हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की प्रथम पुण्यतिथि का किया गया था आयोजन। हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर के जन आक्रोश यात्रा निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीसी शर्मा पदयात्रा कर रहे थे, इस दौरान उनकी पुलिस ने झड़प हो गई। बासमती चावल को लेकर मध्य प्रदेश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बासमती चावल पर जीआई टैग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की दलील स्वीकार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फिर से मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया। प्रदेश की चार सीटें पर होने वाले उपचुनाव के मामले में निर्वाचन आयोग ने मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर उपचुनाव टालने की मांग की। 22 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को लेकर के चिकित्सा शिक्षा का बयान, कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर बोले मंत्री विश्वास सारंग के ये ढकोसला करना, जनता को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है। मेडिकल काउंसिल में पंजीयन रोकने से नाराज प्रदेश के 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। बता दें कि जूडा ने 31 जून से 6 जुलाई तक हड़ताल की थी। पंजीयन रोकने के विरोध में की जा रही हड़ताल। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के काज और राशन पात्रता पर्ची बांटे हैं। मंत्री ने 38 नवंबर बंगले पर आयोजित समारोह में हितग्राहियों को लाभ दिया। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री गृह महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बामेरी विधानसभा से नई योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब शासकीय स्कूलों में छात्र छात्राएं डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। विदिशा के 11 स्कूल में तहसीलदार ने किसान को फेंक कर मारा मोबाइल। किसान की नाक में मोबाइल लगने से आया खून। सोयाबीन में मुआवजे को लेकर के ग्यासपुर तहसील पहुंचा था किसान। इस पूरे मामले में किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा ने तहसीलदार पर कार्रवाई की बात कही है। भोपाल में एडीजी शैलेश सिंह के बंगले पर पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर के 2 कर्मचारियों को एडीजी ने बंधक बनवाया। बंगले पर काम करने पहुंचे हुए थे कर्मचारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने आईटीबी नेटवर्क की जमकर तारीफ की। पचौरी ने कहा कि शहीदों के बच्चों के सहयोग के लिए इंडिया न्यूज और आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिक शर्मा ने जो पहल की है वो सराहनीय है। कॉमेडियन सुनील पॉल ने इंडिया न्यूज की सराहना की है और तारीफ करते हुए कहा है कि आईटीबी नेटवर्क शहीदों और जरूरतमंद बच्चों को बांट रहा है टैबलेट।
राजगढ़ सांसद रोडवाल नगर ने आईटीवी नेटवर्क की जमकर तारीफ की है। बता दें कि आईटीवी की ओर से शहीद के बच्चों और जरूरतमंदों को टैबलेट और कंप्यूटर दिए गए। रायसेन में नवनियुक्त कलेक्टर अरविंद दुबे ने पदभार ग्रहण किया है। वो आने वाले समय में जिले में अपराध पर लगाम और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी क्या रणनीति है। धर्मांतरण को लेकर के आज बीजेपी ने धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया है और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। पुरानी बस्ती थाना घेरने निकली भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका। इस बीच जमकर हंगामा। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने समाज को बांटना और बीड़ा उठा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो सद्भावना की बात करते हैं लेकिन वो जब भी बोलेंगे दुर्भावना ही फैलेगी। इंदौर में अपराध और आगामी त्योहारों को लेकर के डीआईजी मनीष कपूरिया ने पुलिस अधिकारियों के साथ ही बैठक कर अपराध पर रोक लगाने और त्योहारों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर के लोगों ने निकाली रैली। लोगों द्वारा लंबे समय से की जा रही है मांग रेस्ट हाउस के सामने भारी संख्या में एकत्रित हुई थी। एनएमडीसी स्टील प्लांट को लेकर की सरकारी उपक्रमित समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक से एक दिन पहले विधायकों का दल किरंदुल पहुंचा था जहां एनएमडीसी के अधिकारियों के साथ विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। खरगोन में पुलिस कस्टडी में आदिवासी की मौत के मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृहमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया है। थाने में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति न करे, घटना दुखद है, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं, दोषी होगा, सभी पर कार्रवाई होगी। ग्वालियर में कहर बरपा रहा है वायरल फीवर। बीमार होने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा। अस्पताल में जगह कम होने की वजह से एक ही बेड पर एडमिट हो रहे हैं तीन तीन बच्चे। जिले में 1000 से ज्यादा बच्चे बीमार। मुरैना में जीएसटी की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। तेल कारोबारी के यहां छापेमारी करने से शहर के मार्कंडेश्वर बाजार में हड़कंप मच गया है। जीएसटी की टीम में फर्म ललकिशन जगन्नाथ के संचालक बाकीलाल के यहां पर छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 15 अगस्त को आयोग बनाने की घोषणा की गई थी और उस घोषणा के अनुरूप उन्होंने उसका पालन किया है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में की दान पेटी में 8 महीने के बाद खोली गई दान पेटी से निकले पैसों की गिनती देर शाम तक चली। भक्तों ने आराध्य देवी को चढ़ाए। छतरपुर में अपराधियों पर एक्शन। ट्रांसपोर्ट नगर में राकेश यादव का मकान ध्वस्त। बीते दिनों की धुखाई। ग्वालियर में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम अंचल के सबसे बड़े अस्पताल समूह आरोग्य अस्पताल में चल रहा है। गिरोह के एक सदस्य को अस्पताल प्रबंधन ने शिकायत मिलने के बाद पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 34 आयुष्मान कार्ड मिले हैं। शुरुआत पूछताछ में गिरोह में 2 लोग होने की बात कही जा रही है। भोपाल में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष में बीएमएचआरसी के प्रांगण में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता विवेक सागर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बैतूल के खाप मेढा गांव में घर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से महिला घायल हुई। सनावत के ग्राम बामन गांव में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 13 बकरियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से मजदूर ने बकरियों की मौत पर शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग की। भोपाल में बरखेड़ी में 4 युवकों ने तलवारों से युवक पर जानलेवा हमला किया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस हमले की वीडियो सीसीटीवी में कैद। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर सोमवार को एक साध्वी के बैग में मानव खोपड़ी और हड्डियां मिलने से फैली सनसनी। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि साध्वी अपने गुरु की अस्थियों को विसर्जित करने जा रही थी। गरियाबंद पुलिस को एक बार फिर से अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है। तलाशी के दौरान पुलिस को 61 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है जिसकी कीमत 488,000 बताई गई। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय 4 बदमाशों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस के हत्थे आए 4 बदमाशों तेजाजी नगर रोड स्थित पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। बैतूल जिले के टिचोली थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं की
दुश्मनी में दो मासूम बच्चों की बलि चढ़ गई है। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है। घटना में महिला और उसके दो बच्चों को कुएं में ढकेल दिया गया। मंदसौर के सिटी कोतवाल पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपियों द्वारा अपने आप को बड़ा राजनीतिक रसूख रखने की बात कहकर के रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी किया करते थे। खरगोन के एक निजी अस्पताल में 10 साल की बच्ची की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि पैसे नहीं होने के कारण बच्ची का समय से इलाज नहीं हो पाया। शारदा अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बच्ची 8 दिन से दूसरे हॉस्पिटल में थी। कुछ समय पहले ही यहां लाया गया और बच्ची की हालत बहुत खराब थी। खरगोन के जेल में आरोपी की मौत के मामले में आया नया मोड़। सिविल सर्जन डॉक्टर दिवेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। आरोपी बिशन की मौत सेप्टिक शॉक बीमारी से हुई है। पुराने घाव में इन्फेक्शन अल्सर हो जाने की वजह से मौत हुई। राजधानी रायपुर में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। 4 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीमार से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 858 है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 35,000 से कम मामले। रिकवरी रेट भी बढ़ा। फिर बढ़ रहा है कोरोना का मामला। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41 नए मामले सामने आए। 13 रिकवरी हुई। इस दौरान कोविड से एक भी मौत नहीं हुई। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए। 28 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। एक भी मौत नहीं। केरल में आज कोरोना वायरस के 3,196 नए मामले सामने आए हैं। 27,589 रिकवरी हुई है और 181 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 530 नए मामले सामने आए हैं। 349 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस दौरान 4 लोग की जान गई। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होगी। वीडियो इंडिया गेट के पास से बताया जा रहा। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से बुलढाणा में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में गाय बह गई। आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सियाकुलम बस स्टैंड पर हुआ जलभराव। जलभराव की वजह से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। गाजियाबाद में कोरोना काल में घरेलू हिंसा के मामले में हुआ इजाफा। ये बात खुद महिला आयोग ने कही है। राष्ट्रीय महिला पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों को किया नियुक्त। उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और विवेक ठाकुर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी, लॉकेट चैटर्जी और सरदार आरपी सिंह चुनाव प्रभारी होंगे। इस तरह पंजाब में गजेंद्र सिंह शेखावत, गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी होंगे। करनाल से सांसद संजय भाटिया को पश्चिम यूपी का प्रभार मिला है। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे और अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,600 किलोमीटर का सफर 8 दिन में तय किया। आदिल देली ने साइकिल से सबसे कम समय में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पूरी की। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हल्फनामा दाखिल करने की बात कही है। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन की अध्यक्षता वाली 3 जजों के बेंच ने केंद्र से अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अफगानिस्तान संकट के बीच देश के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने दिल्ली में रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात की। भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता चल रही थी। अजीत डोवाल ने 31 अगस्त को ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की भी मेजबानी की थी। काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार में अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया है।
तालिबान ने कुल 33 मंत्रियों की घोषणा की है। इनमें 30 पश्तून हैं और 2 ताजिक हैं और 1 उज्बेक मूल के हैं। एक ही परिवार के 4 मंत्री हैं। अफगानिस्तान की युवा महिलाएं राजनेता इस सरकार में शामिल नहीं है। कैबिनेट के ऐलान के साथ तालिबान ने अपनी नई नीति का भी ऐलान कर दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान में अब शरिया कानून के तहत शासन चलाया जाएगा। तालिबान ने अपनी नई नीति का ऐलान करते हुए कहा है कि किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी पहली कोशिश है कि देश की दिक्कतों का कानून तरीके से सुलझाया जाए। तालिबान सरकार के घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान, चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान को लेकर के दिया बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा कि तालिबान के साथ चीन की कुछ समस्याएं हैं, इसलिए ये तालिबान के साथ कुछ समझौते की कोशिश कर रहा है। तालिबान सरकार की घोषणा के बाद से पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि भारत अफगानिस्तान में बनी नई सरकार के साथ काम नहीं कर सकता और उसे नहीं करना चाहिए। धोनी को मिली टीम इंडिया में जगह। ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू हो रही T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। बड़ी बात यह है कि धोनी भी टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में मौजूद रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया। पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले धोनी टीम के साथ बतौर मेंटोर मौजूद रहेंगे। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम 4 बल्लेबाजों और 6 गेंदबाजों के साथ मैदान में उतरेगी। टीम में 3 ऑलराउंडर और 2 विकेटकीपरों की जगह मिली है। भारत के 7 खिलाड़ी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, जिनमें केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशांत किशन और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और राहुल चाहर शामिल हैं। 2 चोटी वाले लुक में कैमरे के सामने आए रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को उनके अजीबोगरीब फैशन के लिए जाना जाता है। एक बार फिर रणवीर सिंह अपनी हेयर स्टाइल की वजह से सुर्खियों में हैं। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग हो गए हैं। दोनों के बीच तलाक की चर्चा है। आयशा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट आयश मुखर्जी पर इस बात का जिक्र किया। इसमें आयशा मुखर्जी ने तलाक से जुड़ी बातें लिखी है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच लगभग 8 साल रिश्ता रहा। क्रिकेटर धवन की तरफ से इसको लेकर के कोई भी पोस्ट या बयान नहीं दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 3 सितंबर को तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन से अक्षय कुमार को तगड़ा झटका लगा है। वो अपनी मां के साथ गहरी बॉन्डिंग शेयर करते थे। कई इंटरव्यू में उन्होंने मां को अपनी मजबूती का स्तंभ कहा था। जावेद अख्तर के बचाव में उतरी शबाना आजमी, ट्रोल्स को दी चिल करने की सलाह। 2 साल पहले हैदराबाद रेप केस में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर सोशल मीडिया पर रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने और आरोप में 38 सेलिब्रिटीज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सेलिब्रिटीज के खिलाफ यह केस दिल्ली के एक वकील गौरव गुलाटी ने दर्ज किया है। उन्होंने सब्जी मंडी पुलिस थाने में इंडियन पीनल कोड की धारा 228A के तहत मामला दर्ज कर 30,000 कोर्ट में यह याचिका दाखिल की। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि दूसरों के लिए उदाहरण बनने के बजाय इंडियन सेलिब्रिटीज नियमों को तोड़ते हुए पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिका में इन सभी सेलिब्रिटीज की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। फिल्म भूत पुलिस 10 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आएंगे। भूत पुलिस के जावेद जाफरी और जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी अहम भूमिका में नजर आने वाली है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।